नमस्कार, हिमाचल प्राइम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। हिमाचल प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे। जनता टीवी पर पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने प्रदेश में बढ़ते दरअसल लंपी वायरस के मामले को लेकर क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। प्रदेश में लंपी वायरस क्या आज के समय में परिस्थितियां बनी हुई हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर इस समय मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, किस तरह से आप देख रहे हैं लंपी वायरस में आज के हालात जो अगर देखें तो क्या आंकड़े क्या बोल? आज तक इस वायरस के कारण जो है वो करीब 24,399 कल रात तक ऐसे आंकड़े आए जिनमें ये इन्फेक्शन फैला था, लेकिन उसमें 513 एनिमल्स की जो है उसमें डेथ हुई है। और हम तुरंत जब भी कोई किसान पशुपालक विभाग को सूचित करता है कि इससे हमारी गाय या भैंस जो है जिसमें ये लक्षण आए हैं, तो विभाग के हमारे डॉक्टर्स फार्मासिस्ट कर्मचारी तुरंत वहाँ जाते हैं और उनको सलाह देते हैं कि इस एनिमल्स को अलग कर दें और साथ में तुरंत उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है और उस एरिया को हम उस गांव को हम कंटेनमेंट जोन जो है वो बना देते हैं, उसमें हम वैक्सीन शुरू कर देते हैं और उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमने कहा है ये निशुल्क होगा, वैक्सीन के कोई पैसे नहीं लगेंगे, ट्रीटमेंट के कोई दवाई के लिए कोई पैसे खर्च नहीं और कोई डॉक्टर या फार्मासिस्ट कोई फीस नहीं लेगा, अगर कोई करेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। और मैं बधाई देता हूँ विभाग को भी, हर दिन जो है वो शाम को इसका पूरी रिपोर्टिंग होती है और साथ में 3 वर्चुअली बैठकें हम कर चुके हैं। एक मैंने ऊना में सबसे पहली बैठक की थी और पूरी अवेयरनेस कैंपेन जो है वो इसमें चलाई जा रही है, पॉम्फलेट्स बांटे जा रहे हैं, जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि ये बीमारी जो है इसकी पुनरावृत्ति ना हो। अब तक हम 3,19,000 वैक्सीन भी लगा बैठे, हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास स्टॉक पूरा पड़ा है, 1,19,592 हमारे पास डोजेस जो है वो वैक्सीन की हमारे पास उपलब्ध है। और साथ में हमने पूरे अधिकार डिप्टी डायरेक्टर्स को दिए हैं, कहीं शॉर्ट है तो कहीं दूसरी जगह जहां कम इसका प्रयोग हो रहा है उसे वहां से ले लें, उधार में ले लें, या फिर आप तुरंत मार्केट से भी जो है उसको उठा सकते हैं। कि किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। अभी तक हम ये कह सकते हैं कि इस वायरस को हम जो बॉर्डर एरिया तक ये फैला है, हम इनको जो है वो पूरी तरह से इसको कंट्रोल कर रहे हैं। आज जो पशु मर रहे हैं, क्या उनको मुआवजे के नाम पर किस तरह से काम जो है वो विभाग का? देखिए, इसको हमने एपिडेमिक डिक्लेयर किया है और इसको रिलीफ मैनुअल के अनुसार जो है गाय को कितना मिलेगा, दूध वाली गाय या दूध वाली भैंस है या कोई और एनिमल है, उसके अनुसार रिलीफ मैनुअल के अनुसार जो सहायता दी जाएगी। जो कह रहे हैं तो आने वाले दिनों में परिस्थितियां क्या लग रही हैं, क्योंकि इस पर जो नेता प्रतिपक्ष है मुकेश अग्निहोत्री, उनका भी पिछले दिनों बयान जो है वो इस पर सामने आया था, क्योंकि उस जिले से आप भी आते हैं, तो उनका भी यही कहना है कि विभाग कुछ नहीं कर रहा है और इस तरह से ये बीमारी जानलेवा है और पशुओं को जो मौतें उनकी हो रही हैं तो उनके जो मालिक हैं उनको मुआवजा जो है वो कुछ इस बाबत नहीं मिल रहा है, बहुत नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश। उनसे जो थी वो मेरी, उनका मेरे को फ़ोन भी आया था, मेरी बातचीत भी हुई थी और मैंने जो उनको उत्तर दिया था उससे वो संतुष्ट थे, लेकिन ये उनकी मजबूरी है कि पब्लिकली स्टेटमेंट देना कि मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये उनकी मजबूरी है। तो मैंने कहा कि ये जो आपदा है विभाग को पॉजिटिव सुझाव आने चाहिए। उन्होंने जो सुझाव दिए मैंने तुरंत से विभाग को कहा भी कि आप उस पर टोटल तुरंत से जो है उस पर एक्शन लीजिए। बाकी मैं जो उनके सुझाव आए हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ। तो ये थे कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर, साफ तौर पर कहना है कि विभाग पूरी तरह से तैयार है, लंपी वायरस को लेकर पल पल की रिपोर्ट जो है वो तलब की जा रही है और इसके साथ साथ जो दवाइयां हैं वैक्सीनेशन है इसके ऊपर जोर जो है वो यहां पर दिया जा रहा है और इसके लिए पर्याप्त मात्रा में सारी की सारी दवाइयाँ जो है वो हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध हैं। इसके साथ ही अवेयरनेस कैंपेन यानी जागरूकता मिशन जो है वो चलाया जा रहा है जिससे इस बीमारी के ऊपर अब कंट्रोल करने जाने को लेकर भी बाहरी राज्यों से जो खरीद फरोख्त हो रही है पशुओं की उसके ऊपर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।